सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और आज फिर से धूप है, दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। और ये हम आए हैं पार्क पे, दूसरी साइड आए हम। नॉर्मली हम उस साइड जाते हैं, सो इस बार सोचा कि इस साइड आ जाते हैं। यहाँ पे भी देखो गड़े, काफ़ी घने पेड़ है। और गणेश विसर्जन वाले व्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सभी को। और जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगा। और आज का शेड्यूल बता देता हूँ मैं। थोड़ी देर में हम जिम निकलेंगे और आज है लेग, फेमस और मेरा फेवरेट डे लेग डे है। सो वो ट्रेन करेंगे। काफ़ी टाइम से मैंने शूट नहीं किया लेग डे पे, सो इस बार प्रॉपर दिखाएंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज में फॉलो करता हूँ। पहले जो शेड्यूल था हमारा उससे थोड़ा चेंज हुआ है। नॉर्मली जो शेड्यूल पहले था उससे काफ़ी चेंज हुआ है। और ये पेड़ों के बीच से जो लाइट आ रही है देखो, काफ़ी बढ़िया लग रही है। और ये वाला पार्क मैंने विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिखाया है। इस साइड हम आए थे जब भी पीछेक और आई थिंक ध्रुवेश था और साथ में, हाँ इस साइड हम नीचे गए थे। अभी मैं जाके आपको दिखाता हूँ, पर ये अभी देख लो कितना ग्रीन है। विंटर के टाइम पे सारे पत्ते गिर जाते हैं और काफ़ी अजीब हो जाता है। ये देखो, इसके थ्रू दिखना भी काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ से ऐसे घूम के पूरा लंबा स्ट्रेच है। और ये जो सारी बिल्डिंग है आपको दिख रही है, ये वाली, ये वॉल्स वगैरह, ये सारी वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, काफ़ी पुरानी है। आपको मैं नज़दीक जाके दिखा देता हूँ। और ऐसे कई सारे, मतलब ये आई थिंक बंकर हो गए पहले, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। ये देखो ऐसे बीच में ऐसे गैप दिए हुए हैं। और ये, और तभी उस टाइम पे भी ये देखो ईंटें हुआ करती थी यार। और ये वर्ल्ड वॉर के टाइम का है ये भी। और ये जो सारी ये वॉल्स दिख रही है, ये वाली भी, ये कुछ अलग होगा स्ट्रक्चर यहाँ पे, इन्होंने तोड़ फोड़ के ये सब बना दिया होगा, पर ये अभी भी रखा हुआ है। और जो ये जो पॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे हमने पहले शूट किया था। और ये अभी देखो, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है देखो, नोबेट थॉमस जेक्स टेलिगर राम फॉर्म 1900 सेंकुंग क्यूंसलर्स उन्देर फा डॉट पोलेंस ल्यूडिंग हाउसन। आई थिंक ये जो सेंकुंग है उसका वो डोनेशन होता है। और जेक्स टेलिगर राम फॉर्म, ये जो पीस आपको दिख रहा है स्टील का स्ट्रक्चर, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। और ये 1900 पे इस बंदे के द्वारा बनाया गया होगा। और अब भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में यहाँ पे है इस जर्मनी के वेदर को सहन करते हुए, क्योंकि अभी तो वेदर सही है, पर जब विंटर आएगा, विंटर इज कमिंग, तब थोड़ी दिक्कत होगी इसको। सो थोड़ा आगे निकलते हैं। और मैं यूजुअली ये हर दिन पे, मैंने कभी आपको बताया नहीं, पर मैं हर दिन एक मील लेने के बाद पाँच दस मिनट इस पूरे पार्क में ग्राउंड लगाता हूँ। काफ़ी नज़दीक है हमारे घर से। और आज के लेग डे की हम बात करते हैं थोड़ी। लोग मिस्टेक क्या करते हैं, थोड़ी मैं टिप्स देने की भी ट्राई करूँगा। मैंने भी कई सारी गलतियाँ की है, अभी भी करता, वैसा नहीं है, अभी भी मैं कई सारी गलतियाँ करता हूँ। पर अभी तक जो मैंने गलतियाँ की है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी वो गलतियाँ सेम रिपीट ना करो। जो भी जिम जा रहे हैं रेगुलरली और जो रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे लेग पे, स्पेशली लेग पे, क्योंकि लेग को ग्रो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि लोग उसको ट्रेन नहीं करते सही से ट्रेन नहीं करते, क्योंकि बहुत हार्ड है इसका जो लेग जब ट्रेन करते वो जो पेन होता है काफ़ी अनबेरेबल होता है। सो गलती नंबर वन, वार्म अप सही से ना करना।
लोग मतलब जैसे जिम में घुसते हैं और सीधा वेट डाल के शुरू हो जाते हैं, बिना वार्म अप किए सीधी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, सो वो आपको नहीं करना है। प्रॉपर वार्म अप करना है, जो भी पसंद हो आपको, डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ट्रेडमिल पे भी थोड़ा दौड़ सकते हो, चल सकते हो। और गलती नंबर टू, जो कंपाउंड एक्सरसाइज है, जो हमारी स्क्वाट्स, लेग प्रेस, जिस एक्सरसाइज में आपका एक से ज़्यादा मसल वर्क हो रहा है, वो वैसी एक्सरसाइज अवॉइड करना। सो यही मेन एक्सरसाइज है आपकी, बेस है आपका, जिससे आपके जो मसल है वो प्रॉपर ग्रो होंगे। सो उसको आपको अवॉइड नहीं करना है। और लोग गलती ये कर लेते हैं कि स्क्वाट्स लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वेट डाल लेंगे और फॉर्म इतना ख़राब कर लेंगे कि वो प्रॉपर मसल पे आएगा ही नहीं। सो ये काफ़ी ठीक नहीं है, मतलब इसको ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं। आपके अंदर के ईगो को शांत करने के लिए आप जितना भी वेट हो इतना लगा लोगे और फॉर्म बिल्कुल ही गलत होगा। सो इसका कोई मतलब नहीं है, उसको आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो उससे अच्छा है कि वेट आप कम कर लो और प्रॉपर फॉर्म के साथ, प्रॉपर टेम्पो, प्रॉपर ब्रीदिंग इनके साथ लगाओ तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के साथ। सो ईगो को आपको अपने घर पे रख के फिर जिम जाना है और फिर एक्सरसाइज करनी है तो आपको रिजल्ट्स बढ़िया मिलेंगे, काफ़ी जल्दी मिलेंगे। और एक चीज़ आप कर सकते हो कि जैसे आपको स्क्वाट्स लगाने हैं, सो उससे पहले आप लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स के की एक्सरसाइज कर लो। सो उससे क्या होगा कि आपके जो लेग्स है वो पहले ही फटे हो जाएंगे और उसके बाद आप जब लेग प्रेस या फिर लेग स्क्वाट्स पे जाओगे तो आप ज़्यादा वेट नहीं उठा पाओगे क्योंकि ऑलरेडी फटे हो चुके हैं। सो काफ़ी कम वेट से भी आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। सो ये एक टेक्निक भी काफ़ी बढ़िया रहती है, नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ। सो अभी तक जो हमने बात की वो एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ के साथ थी, और एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद भी आपको बैक पैक करके ऐसे निकल नहीं जाना है, उसके बाद भी स्टैटिक स्ट्रेचिंग वगैरह जो रूटीन होता है वो आपको यूज़ करना है। जैसे हमने पहले बात की कि वर्कआउट से पहले आपको डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी है, वैसे ही वर्कआउट ख़त्म होने के बाद आपको स्ट्रेचिंग से स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो आती है वो करनी है। मैंने भी कई वीडियो में दिखाया हुआ है वर्कआउट के बाद, जो मैंने 5 मिनट्स का जो मैंने टाइम लैप्स डाला हुआ है वहाँ पे, वो आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, कई सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। सो वो आप मतलब यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल है, आपको ये अवॉइड नहीं करना है क्योंकि आपको ये सभी स्टार्टिंग में आपको छोटी छोटी चीज़ें लग रही होगी कि ये सब क्या है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, पर काफ़ी टाइम होने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा ये फॉर रिकवरी एंड फॉर टू अवॉइड इंजरीज ऑल्सो। और जो भी जिम नहीं जा रहे हैं उनको ये वाला पार्ट थोड़ा बोर करेगा, पर कोई नहीं। सो हेलो वीडर, जिम का टाइम हो चुका है, निकलते हैं। और अभी ऑलमोस्ट 7:30 बजे, तो बार ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है, थोड़ा लेट जा रहे हैं हम आज क्योंकि मुझे थोड़ा काम था लैपटॉप में, तो मैं थोड़ा काम कर रहा था। सो भी फ्री हुआ हूँ, सो भी निकल रहे फटाफट और स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंटेंस लेग वर्कआउट।
know what's legit. सो हेलो वीडे, खाना खाने के बाद मैं थोड़ा चलने आता हूँ, उस वॉक पे भी जा रहा हूँ और देखो कितना सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा है कोई नहीं है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। सो एक्सरसाइज की बात करता हूँ मैं, स्पेशली लेग प्रेस की। जैसे आपने देखा फुल रेंज ऑफ मोशन करना है आपको, और मैं ये बोलूँगा कि जस्ट ट्राई टू टच योर काप्स टू हैमस्ट्रिंग। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, पर ये फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ही करना है आपको। ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है,
और कई लोग सोचेगी कि लेग प्रेस में 8-8 प्लेटें डाल दी और स्क्वाट्स में एक ही प्लेट थी, पर वो मेरा ड्रॉप सेट था क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा लोग थे, इसलिए मैंने काफ़ी जो ड्रॉप सेट था उस टाइम पे मैंने शूट किया था, इसलिए एक ही प्लेट थी। और एक ही प्लेट होने से मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, उससे भी मैं अच्छा आउटपुट निकाल सकता हूँ एक प्लेट से भी। सो वो आपको आना चाहिए, कम वेट से ज़्यादा आउटपुट निकालना फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। सो वही था आज का लेग वर्कआउट, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो अगर आपके कुछ डाउट्स हो या फिर क्वेश्चंस हो, मैं ट्राई करूँगा आंसर देने की। और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इस लोग को, आई नो थोड़ा बोर हो जाएगा, पर एंड करते हैं यहाँ पे। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बी सो नेक्स्ट टाइम, चाओ, वीडियो जयन, बाय।